बता मेरे को, इधर आ, चल इधर आ, ये बता। गरीब बच्चों के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। इंदौर ऑपरेशन स्माइल पहल के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंदौर के डांसिंग कॉप्स रंजीत सिंह और सैनिक संजय सांवरे द्वारा 2016 में ऑपरेशन स्माइल की शुरुआत 3 बच्चों से की गई और अब यहां 50 बच्चे हर रविवार बढ़ते हैं। संस्था का उद्देश्य गरीब बच्चों को शिक्षा और शिक्षक सामग्री उपलब्ध कराना और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को आगे बढ़ाना। धीरे धीरे संजय के साथ और पुलिस विभाग के जवान जुड़ते गए। डांसिंग कॉप्स रंजीत सिंह ने बताया, उनकी संस्था का उद्देश्य बच्चों के चेहरे पर सदा स्माइल बनी रहे, इसके लिए संस्था द्वारा हर संभव मदद की जाती है। इसी कड़ी में स्वतंत्रता दिवस भी बच्चों के साथ मनाया गया, जिसमें कई टीवी कलाकार दीपक नीमा, मेकरी आर्टिस्ट इंदौर रंजीत भैया, जादूगर देव श्री, सुमंत सिंह, ट्रैफिक जवान मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी कला से बच्चों को खूब हंसाया। इस अवसर पर अन्य समाज सेवी भी मौजूद रहे। साथ ही जनता से निवेदन करते हुए कहा, अपने आसपास के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा में सहयोग करें, यही असली मानव धर्म है और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति है। लेकिन हमारा इंदौरी आदमी बोलेगा, अरे राके वो देख तेरा बाप बेटा जा रहे के ऊपर। चलो थैंक यू, बता मेरे को, इधर आ, चल इधर आ, ये बता, ये हिंदू का खून या मुसलमान का खून, इसमें से बता कौन सा हिंदू का है कौन सा मुसलमान का है। जब बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं करा, तू कौन होता है फर्क करने वाला। अपने टकले पे गणपति लेके काय को जाता था, गणपति बप्पा मोरिया काय को चिल्लाता था। ये चेन्नई का गुंडों की साजिश में तू आज अपने भाईचारे को खत्म करना चाहता है, चल इधर आ। इसलिए बताता हूँ तुझे, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदा मौलाना मोहब्बती मोबारिक को शरीफ, ये दुरूद शरीफ तेरे को किसने सिखाया, चल सॉरी बोल। ए तुम्हारे नापाक कदम आगे मत बढ़ने देना वरना तुमको काट के रख देंगे। चल अच्छा है, ये आए दो बूंद खून का दान करेंगे, नहीं अखबारों में ऐसा छपवा देंगे जैसे गरीबों के लिए खून की नदियां बहा दी हो। अच्छा है। ये मेरे साथ हमेशा चिपक कर रहता है और बिलीव करता है कि जो बंदा है जो मेरे पास आया मिलने के लिए, ये मेरा कोई ना कोई अपना है जो मेरी हेल्प करेगा। तो हम सब मिलकर कुछ ना कुछ एक न्यू इनिशिएटिव चालू करें कि हम ऐसे बच्चों को जो कि गरीब हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करें और देश को आगे बढ़ाएं। शहर आपको अभी तक डांसिंग कॉप के से जानता था, जिसमें आपके बहुत सारे लोगों ने वीडियो, मगर आपका ये जो आज नए रूप में आपको आज पहली बार देख रहे हैं, इसके लिए ये आप संस्था आप कब से चला रहे हैं? देखिए 5 साल पहले संजय ने शुरू किया था, ये संजय का ही इनिशिएटिव है। हमारे जवान हैं संजय सावरे, उन्होंने ऑपरेशन स्माइल करके स्टार्ट किया था, पर वो एक हाथ थे तो एक कहीं कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, तो उसको एक दूसरे हाथों की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं देखा कि और डिपार्टमेंट में कौन अच्छे लोग हैं जिनको मैं साथ में लेके इसको आगे चला सकता हूँ, तो उन्होंने हमको कॉल किया और हमको जुड़े हुए 4 साल आज हो गए। 4 साल से हम यहाँ पर हर 26 जनवरी 15 अगस्त को और हर महीने यहाँ पर एक मीटिंग करते हैं, जिसमें बच्चों को हमारे पास जितना ज्ञान होता है हम उनको देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि ये हमसे अपने खुद को अलग ना समझें, ये हमारा सोसाइटी का हिस्सा है और भले बस्तियों में रहते हैं मगर हमको कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हम भी नहीं इनके बीच से निकले हुए, हमको किसी ने किसी सपोर्ट किया था, तो ऑपरेशन स्माइल से हम लोग 5 साल जुड़े हुए हैं और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज पहले हमने 2 बच्चे थे हमारे पास, आज हमारे पास 52 बच्चे हैं यहाँ पर और हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जितना ज्ञान है उनके एजुकेशन को लेकर, इनके एडमिशन को लेकर जितना भी हमको होता है हम आपस बात करते हैं। संजय ऑफकोर्स बहुत अच्छा आरक्षक है और बहुत लगा रहता है, वो इनके एडमिशन के लिए कहीं दिक्कत आती है तो फाइनेंशियली सपोर्ट जो होता है वो हम लोग अपनी पेमेंट से करते हैं और इनको कुछ ना कुछ हेल्प करते रहते हैं दिन भर। इसमें पुलिस विभाग के आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारे पास तकरीबन 10 के आसपास आरक्षक हैं पुलिस विभाग के जो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं और वो अपनी सैलरी से ही हम लोग अपनी सैलरी से 20% हिस्सा निकाल कर इनके लिए जो भी हम हेल्प कर सकते हैं वो हम करते हैं और हर महीने सोचते हैं कि अगर किसी को बुक्स की ज़रूरत हो या कॉपी किताब की ज़रूरत हो तो हम उनको अपने ग्रुप के माध्यम से इकट्ठा करते हैं पैसा और फिर इनको हेल्प करते हैं। कैसा लगता है आप जब ऐसा करते हैं, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है इन बच्चों के साथ में और इतना एंजॉय करा आपने, कैसा अभी क्या फील कर रहे हैं? देखिए यहाँ आने का मतलब ही सेटिस्फेक्शन होता है, आप लाखों करोड़ रुपए कमा लीजिए सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, पर ये चेहरे की स्माइल है ना, इसको खरीदने के लिए कोई कीमत अदा नहीं करी मैंने, सिर्फ प्यार बांटा है, तो यकीन माने सेटिस्फेक्शन मिलता है और सेटिस्फेक्शन से बड़ी पूंजी नहीं होती। बड़े बड़े रईस बड़े बड़े लोग जाके साधु संत बन जाते हैं और धर्मात्मा बन जाते हैं उसलिए बनते हैं क्योंकि उनको आखिरी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होता है, सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ मिलेगा। मैं आपके माध्यम सबसे बोलना चाहूँगा, यकीन मानिए बहुत लोग हैं हिंदुस्तान में जिनके पास
आपसे बहुत निम्न स्तर की चीज़ें हैं उनके पास हैं, आप लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके ना इनके चेहरे की स्माइल ला सकते हैं, और ये जो आपको सेटिस्फेक्शन देंगे ना उसकी कीमत आप आँक नहीं पाएंगे। लेकिन मानिए मुझे बड़ा संतुष्टि मिलती है, मेरे दिन भर की तो थकान होती है इनके एक स्माइल से दूर हो जाती है, और मुझे वापस रूटीन वापस काम करने, मेरे मुझसे बोलते हैं भैया वो डांस करके दिखाओ, मैं डांस करके दिखाता हूँ, उनके चेहरे पर स्माइल आती है, मुझे इससे अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं कुछ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमने यहाँ पर छोटा सा कार्यक्रम रखा है, ऐसे हम अमूमन 5 सालों से यहाँ पर क्लास चला रहे हैं, और हमारा प्रयास ये है कि ये बच्चे किसी ना किसी प्रकार से शिक्षित होकर देश का और समाज में अपना नाम रोशन करें। ये आपको विचार कैसे आया और कब आया? ये यहाँ पर जो भी है, मतलब यहाँ पर जब मैं आया था आज से 4-5 साल पहले, तो यहाँ पर बच्चे आवारागिरदी करते थे, शिक्षा को लेकर कोई जागरूकता नहीं थी। फिर एक छोटा सा प्रयास करा हमने यहाँ पर क्लास लगाने का, एक पेड़ के नीचे क्लास लगाना चालू करी, और 3 बच्चों से शुरुआत हुई थी। आज बस्ती में 52 बच्चे जिनका स्कूलों में एडमिशन करा दिया, और वो सभी स्कूल जाते हैं। अभी आपके संस्था में कितने लोग आपके साथ में? अभी पूरी टीम है यहाँ पर मौजूद, करीबन हम 15 से 20 लोग हैं जो समय समय पर आकर यहाँ पर हर संडे क्लास रहती है, और हम सभी मिलकर यहाँ पर इन बच्चों को हर संडे शिक्षित करते हैं। जनता को आप इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इनके लिए? जनता को संदेश यही देना चाहेंगे कि भारत के हर युवा में इतनी ताकत है कि वो देश के एक अशिक्षित बच्चे को शिक्षित कर सकता है। आपका परिचय? मेरा नाम संजय सावर है, मैं वर्तमान में आपदा प्रबंधन टीम में हूँ। आपकी संस्था का नाम? टीम ऑपरेशन स्माइल। दीपक सर नहीं, ये बिहार सरी के पढ़े लिखे होते हैं, और एक होते हैं सेठ इंदौरी, जो इंदौरी में बात करते हैं हमारे दीपक भैया। तो अगर किसी की मृत्यु हो गई तो पढ़ा लिखा बंदा बोलेगा कि यार फलाने के दादाजी और पिताजी शांत हो गए, लेकिन हमारा इंदौरी आदमी बोलेगा अरे वो राकेश के डॉक्टर की फाइल निपट गई यार एम्बाई है ना। और अगर पढ़ा लिखा बंदा चिड़ियाघर में गया और उसे बंदर दिख गया, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलेगा कि यार देखो काले मुंह का लंगूर, लेकिन हमारा इंदौरी आदमी बोलेगा अरे राकेश वो देख तेरा बाप बेटा झाड़ के ऊपर। चलो थैंक यू। हो बड़ा भैया खाली पैर दिमाग के बत्ते नहीं चलती, आज तो स्वतंत्रता दिवस पर लड्डू खा कर जाऊंगा। हो ऐसा है मोटू, आज समोसा भी नहीं मिलेगा, सिर्फ लड्डू मिलेंगे लड्डू। आयो माँ चिंगम का चुंगल से बचना यम पॉसिबल, असली सिंगम तो उधर बैठे इधर बैठे आया। उड़ी बाबा हम अपने 25 साल का तजुर्बा में इतनी बढ़िया ऑडियंस का भी नहीं देखा। उड़ी बाबा जान पड़ेगा डॉन जान को रोकेगा कौन? उड़ी बाबा हमारा 25 साल का तजुर्बा है, हम लड्डू नहीं खाएगा।